परम वीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के गांव धामुपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत 1 जुलाई को आएंगे, जहां पर करीब 1.5 घंटे का कार्यक्रम होगा। वहीं मेरे पापा परमवीर पुस्तक का भी वह लोकार्पण करेंगे। वहीं परमवीर चक्र विजेता को लेकर अब उनके परिवार में परमवीर चक्र पर कब्जा करने का विवाद सामने आ गया है। इसको लेकर शहीद के बेटे जैनुल ने क्या बताया, आइए जानते हैं। उनके आने का कार्यक्रम 1 जुलाई को है, जो कि 10 से लेकर 11:30 बजे तक चलेगा, और जितना भी मतलब पार्क में काम है वो सब बढ़िया से हो रहा है। सब परमवीर चक्र जो है मेरे भतीजे जमील आलम के पास है, क्योंकि हम लोग बाहर रहते थे तब माँ जो है हमारी उन्हीं लोगों के साथ रहती थी जी। और उनके मरने के बाद जमील आलम अपने कब्जे में ले करके, और ये कहते हैं कि माँ ने मुझे वसीयत किया है, तो ये मेडल वसीयत नहीं होता है किसी की, लेकिन वो ज़बरदस्ती रखा हुआ है तो क्या करें। और इसको जो है मेरी इच्छा है, मेरी माँ की भी इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद इसको सेंटर में लौटा दिया जाए और वहाँ पर जो म्यूजियम बने उसमें रखा जाए। SP साहब को भी कहा, SO साहब तक भी बात पहुँची, लेकिन अब क्योंकि लोगों ने इतना कह करके फिर उसको आगे कार्रवाई नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये किसी भी तरह से मेडल मिल जाए। और मैं मीडिया बंधु से भी यही कहूँगा कि आप लोग भी जिसमें मदद करिए हमारी, जो उस मेडल को ले हम वो ले करके मिल जाए तो जबलपुर में हम दे दें म्यूजियम को। कोई म्यूजियम की बात नहीं हुई हमारी, मेरी मांग ये है कि गाजीपुर में जो उनका डिस्ट्रिक्ट है उस पर कोई, उस डिस्ट्रिक्ट में कोई उनका चिन्ह नहीं है, कोई ऐसा प्रतीक नहीं है जिससे कि लोग जान जाएं कि अब्दुल हमीद का डिस्ट्रिक्ट है। बड़े पिता जैनुल के द्वारा लगाए गए आरोप पर जमील अहमद ने क्या बताया, आइए जानते हैं। मैं जमील आलम, पौत्र शहीद वीर अब्दुल हमीद। मैं आज पेपर के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली कि मेरे बड़े पिताजी श्री जैनुल हसन जी ने परमवीर चक्र को लेकर के कुछ उन्होंने बयान दिया, जिसमें कि उसमें उन्होंने बोला है कि दादी की यानी हमारी जो दादी स्वर्गीय रसूलन बीबी, उनको उन्होंने कहा कि उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो परमवीर चक्र जो है एक म्यूजियम में कहीं देने की बात उन्होंने कहा है। तो मैं उसको एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो दादी ने मुझे सम्मान मेरे भाई और मुझे उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में रजिस्टर्ड वसीयत करके उन्होंने सौंपा है, और वो हम लोगों के साथ रहती थी शुरू से ही, तो बड़े पिताजी अलग रहे और बाहर रहे, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी में भी ज्वाइन किया, और उसके बाद अब शायद उनको परमवीर चक्र 59 सालों में अब दिखने लगा कि उसको जमा कराना है और इस तरीके का। तो मेरे हिसाब से अगर वो किसी पार्टी में है जो कि राष्ट्र का एक गौरव है, उसको किसी व्यक्तिगत पार्टी और इन चीज़ों से जोड़ते हुए वो आज अगर राजनीति करना चाहते हैं तो इसमें हम सहयोग नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे। मैं चाहता हूँ कि वो जो सम्मान है जिन्होंने दादी ने सौंपा है तो वो सम्मान को रहने दें। घर की चीज़ें हैं और ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के माध्यम से अगर उनको लगता है वो बड़े बेटे हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट में दे दें वो। और इस तरीके का जो एक भ्रम फैला रहे हैं कि हम मेरी माँ ने मुझे ये कहा वो कहा, तो कहने से ऐसे नहीं होता है कोई चीज़। अगर रजिस्टर्ड उनके पास कोई पेपर है जो दादी ने हमारे किया हो वो दिखाएं, फिर उसके बाद हम लोग आगे सोचेंगे कि क्या करना है। और तमाम मीडिया भाइयों से भी मेरा अनुरोध है कि आप लोगों ने जिस तरीके से उस नाम में अपने सहयोग किया है, और हर वर्ष मैं प्रोग्राम करता था, 2 सालों से इन्होंने कहा कि मैं कराना चाहता हूँ, मैंने कहा बिल्कुल आप कराइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप कराइए, मेरे से जो सहयोग होगा अगर आप कहेंगे तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो इसको मैं चाहूँगा कि इस तरीके का, चाहे हमारे मीडिया भाई हों या परिवार के लोगों, कोई ऐसा भ्रम ना हो।